दोस्तों मेरा नाम है अमरजोत सिंह एंड टुडे इज नवंबर 11th। आज रिमेम्बरेंस डे है कनाडा में, और कनाडा में रिमेम्बरेंस डे का मतलब है कि हम पुराने यहाँ पर जो जो जंग्स हुई थी, यहाँ पर जो शहीद हुए थे कनाडा के लिए, उनको याद करते हैं। अब मेरे जुड़े हुए हैं टोरंटो से, सॉरी ओंटारियो कहीं से, कॉर्नवॉल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ राहुल। राहुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, क्लियर आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ राहुल, के कई लोग मेरे को अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपको ढूंढ रहे थे, आप हमें सही एडवाइस दोगे और वगैरह वगैरह कहते हैं। लेकिन आज आज उल्टा है राहुल, और आपने केविन की नाम की आईडी यूज करी, हम डोंट गेट कंफ्यूज, हिज नेम इज राहुल। सो राहुल, एक्चुअली अगर आप कहते हो कि आप मेरे को ढूंढ रहे थे, मैं आपसे कहने वाला हूँ ढूंढ रहा था, और उसकी वजह हम आगे बताएंगे मैं आपको क्यों ढूंढ रहा था, कि यू आर द परफेक्ट प्रोफाइल जिसके बारे में मैंने दुनिया को बताया कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, दिस इज द राइट वे। और आज वो राइट वे क्या है आपके सिचुएशन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो राहुल अपना इंट्रोडक्शन दो कि आप इंडिया में कहाँ से हो। एक्चुअली आई एम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम केरला, साउथ इंडिया। आपकी आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है, मलयाली लोग तो इतनी अच्छी हिंदी बोलते नहीं, आप इंडिया में कहीं और रहे हो, घूमते रहे हो कहीं ना कहीं। हाँ सर, मेरे फादर आर्मी में थे तो मोस्टली इंडिया के सारे स्टेट कवर किए हैं। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार मैंने दिल्ली से केरला एक्सप्रेस लिया, यू नो केरला एक्सप्रेस यस सर, जो जाती है न्यू दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, और केरला एक्सप्रेस में मैं कई बार मैंने ट्रैवल किया है, और उसमें मैंने देखा है कि जो मलयाली होते हैं, जो लोग, उनको दे डोंट नो हिंदी और दे डोंट स्पीक और दे डोंट प्रेफर समथिंग, उनको इतनी हिंदी अच्छी आती नहीं है। तो आपकी हिंदी तो माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ, कि आप तो लग नहीं रहो कि मलयालम। और मैं केरला एक बार गया था पिछले साल, तो वहाँ पर काफी सारे तूफान आ गया, बारिश बहुत हुई, हम जाने वाले थे वहाँ पर, वो रामेश्वरम, क्या नाम है उसका, जो रॉक है वहाँ पर, रॉक है, रॉक हाँ सर, हाँ फेमस टेम्पल या फेम नहीं, और जस्ट वहाँ विवेकानंद थे, बिग रॉक, एंड और हम विवेकानंद पारा। दैट्स राइट, पिछले साल हम लोग फंस गए थे वहाँ पर, देन वी हैड टू टेक द केरला एक्सप्रेस बैक टू न्यू दिल्ली। इट वाज अ बिजार हॉलिडे, एंड यू नो इट वाज बहुत बारिश, बहुत बारिश, इतनी बारिश मैंने दुनिया में कहीं देखी नहीं जितनी केरला में बारिश हुई पिछले साल अगस्त इन 2019। एनीवे राहुल, आप ये बताओ कि आप कनाडा में हो अभी, और आप यहाँ पर, आपने स्टडी करने आए आप यहाँ पर कनाडा में, आपने क्या पढ़ाई करी है कनाडा में, पहले ये बताएं। सर मैंने कनाडा में, मुझे अभी 3 साल के करीब करीब हो रहा है, मैंने कनाडा में स्किल्ड ट्रेड वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन टेक्नीशियन का कोर्स किया है, कौन से कॉलेज से? सेंट लॉरेंस कॉलेज ओंटारियो। ओके गुड, आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है शायद, कुछ आ रहा है स्क्रीन? हाँ सर, स्क्रीन नजर आ रहा है मुझे। आपने इसी कॉलेज से किया ना वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन हाँ टेक्नीशियन कोर्स? हाँ सर, सही। अब हम आपके बारे में बात करते हैं, और जो मैं, जिस रीजन से मैं आपको ढूंढ रहा था, मैं इसके बारे में बात करते हैं। मैं कई लोगों को कह चुका हूँ कि भाई अगर आपको कनाडा जाना है, स्पेशली जो नॉर्थ के, जो पंजाब हरियाणा नॉर्थन बेल्ट के जो लोग हैं, and I have no discrimination among different regions, but I can tell you this, this is a good contrast, ke jo south ke jo jo applicants hain, south ke jo jo students bhi hain, unki ek future ke bare mein ek preparation, taiyari zyada achhi hoti hai. Jaise aapko, aapne ye course liya, ab aapke apne apne college mein dekh le, St. Lawrence College mein north india ke kitne student the jo ye course kar rahe the? सर अराउंड 15 स्टूडेंट्स, मैं अकेला साउथ इंडियन था। उल्टा पड़ गया, कहाँ से आए थे वो लोग 15 लोग? भाई सारे पंजाब से थे सर, सारे पंजाब से आए थे और वेल्डिंग और फैब्रिकेशन का कोर्स कर रहे थे। हाँ सर, लेकिन कोई फील्ड में है नहीं। व्हाट डू यू मीन फील्ड में, कहाँ चले गए वो, कहाँ गए वो? मोस्टली तो ट्रक ड्राइविंग के लिए गए और कोई कन्वीनियंस स्टोर में कर रहा है, कोई पिज्जा बना रहा है, कोई बर्गर बना रहा है। ओह मैन, या दिस इज व्हाट आई ऑलवेज लुक एट। देखो ठीक है, जो भी उनकी वो प्लानिंग थी, जैसे कर, जो भी उनको करना था उन्होंने किया, अभी वो तो चलो आए होंगे किसी ना किसी तरीके से कि भाई हमें कनाडा पहुंच जाए, स्टडी वीजा मिल जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे पक्के हो जाएंगे, ट्रक जो भी कुछ है, एनी
any occupation is okay as long as they like them. पर आपने जो ये वेल्डिंग का आपने सीखा है और आप वेल्डिंग में आगे काम करने वाले हो और वेल्डिंग में आपको जॉब भी मिलने वाली है, उसके बारे में मेरा एक फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग है और आप जरूर कामयाब होगे, क्योंकि वेल्डिंग इज वन ऑफ द शॉर्टेज एरियाज यहाँ पर कनाडा को, जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पर वेल्डिंग की ज़रूरत होती है और हमेशा ही रहेगी, कभी ये नीचे नहीं कम होने वाली। तो ये जो कोर्स आपने किया है ये बहुत अच्छा कोर्स किया है, इस कोर्स के बारे में आपको बताया किसने इंडिया में कि ये कोर्स करो? सर एक्चुअली मैंने ये कोर्स इसीलिए लिया क्योंकि मैंने देखा जब बदलती दुनिया में एक ऐसा ही काम है जो मशीनें कम कर सकती है और इंसान की ज़रूरतें हमेशा पड़ेगी, और एक बार मुझे अगर वापस इंडिया भी जाना पड़ा तो मुझे काम ज़रूर मिलेगा, तो मैंने इसलिए ये फील्ड लिया। गुड, दैट्स वंडरफुल। और इसमें जो ट्रेड का जो ऑक्यूपेशन है, इसका जो वेल्डिंग का ऑक्यूपेशन है, अब इसके बारे में बात करते हैं। आप ओंटारियो में हो और ओंटारियो में ये जो ट्रेड है, आई एम लुकिंग एट द, आप देख रहे हैं ना मेरा स्क्रीन? हाँ देख रहा हूँ सर, स्क्रीन नजर आ रहा है। तो ये ओंटारियो में ये ट्रेड्स की एक लिस्ट है कि जो ट्रेड्स होते हैं उसमें कुछ ट्रेड्स होते हैं जो कंपलसरी है, जैसे आपको लाइसेंस चाहिए काम करने के लिए, और कुछ जो है वो कंपलसरी नहीं है, जिसको आप ओंटारियो में कहते हो वॉलंटरी और अल्बर्टा में कहते हैं ऑप्शनल। तो इसमें दिया हुआ है एनीबडी कैन गो टू ओंटारियो कॉलेज ऑफ ट्रेड्स, collegeoftrades.ca, उसमें लिखा हुआ सारा और इसमें देख सकते हैं, और इसमें लिखा हुआ है सारे कौन कौन से कंपलसरी हैं, और इसमें वेल्डिंग इज नॉट वन ऑफ देम। सो इसका मतलब ये हो गया कि वेल्डिंग में अगर आपको नॉलेज है और आपको एक्सपीरियंस, थोड़ा चलो एक्सपीरियंस ना भी नॉलेज है, और आपको कोई अगर जॉब देता है एम्प्लॉयर, तो आपको बगैर लाइसेंस के आपको काम मिल सकता है, करेक्ट? मैं सही कह रहा हूं? हाँ सर मिल सकता है। और इस एक्सेप्ट अल्बर्टा, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे। और ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि इसकी एनओसी है 7237, और इसमें इसके बारे में दिया हुआ है कि क्या ऑक्यूपेशन है, कितनी सैलरी मिलेगी। अगर आप देख पा रहे हैं तो 50,000 इसकी मीडियन इनकम है डिपेंडिंग ऑन experience and level, तो 50,000 is not bad। अगर आप जैसे आपने कहा कि जितने भी वो पंजाब के, हरियाणा के जो लोग हैं वहाँ पर जो नॉर्थ के आए हैं, अगर वेल्डिंग करने के बाद कोई ट्रक चला रहा है, कोई बर्गर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अभी तो उनको शायद अच्छा लग रहा होगा, एक्साइटमेंट लग रहा होगा, लेकिन कुछ सालों बाद वो आपसे पिछड़ जाएंगे क्योंकि आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप सही लाइन में जा रहे हो, ठीक है? यहाँ पर आप देखें कि कितनी इसमें ऑक्यूपेशन प्रोफाइल दे रखी है, इसमें कितने जॉब्स अवेलेबल हैं वगैरह वगैरह, जॉब ग्रोथ कितनी होने वाली है। अगर आप देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं ना ग्राफ, ये ऊपर जा रहा है 2010 से बता रहे हैं, ये इसमें आगे आगे आप मतलब आगे आगे बढ़ोतरी होने वाली है। सो मेल की 51,000 दिस इज द मीडियन सैलरी, ये आप बनाओगे। और आगे इसमें थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि जैसे आप टोरंटो में अगर आपको करना है, टोरंटो में करीब करीब 45,000 शो कर रहा है डिपेंडिंग ऑन यू नो where you go in Toronto, 45,000 is the median salary, which is not bad, which is like close to, मतलब के 3,500 तो टैक्स काट के तो आपको महीने के मिलने वाले हैं, 3,500 या 3,000, this is not a bad for a starting from a two-year diploma, what do you think? जी सर, हाँ बढ़िया सर। या इसमें आगे ये भी इसमें शो कर रहा है, जैसे आपने पहले कह दिया कि कनाडा में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कनाडा में, और ये जो आप मैजिक सेंटेंस है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला, इसको भी मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ट्रेड सर्टिफिकेशन इज कंपलसरी इन अल्बर्टा जहाँ पर मैं हूँ, बट वॉलंटरी इन अदर प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज। सो अल्बर्टा की स्टैंडर्ड उन्होंने बड़ी हाई रखी है, अल्बर्टा में काम करने के लिए भाई साहब कहते हैं लाइसेंस ले लो, अदरवाइज यहाँ काम करने नहीं आना, और लेकिन यही काम आप वहाँ पर ओंटारियो में करके अपनी रोजी रोटी चला सकते हो, एंड यू कैन गेट स्टार्टेड। तो इसमें स्किल्स में जैसे ये है, आप बताएं इसमें से आपने क्या क्या स्किल्स आपको आती है, क्या क्या कराई, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर दिख रहा है। इसमें से स्पेशलाइज्ड में जो जो दिए हैं सारे हमने किए हैं, वेल्डिंग, टिग, मिग, रिपेयर, वेल्डिंग इक्विपमेंट, गैस कटिंग, एवरीथिंग हमारे फील्ड में आता है, जो बीच में स्पेशलाइज्ड में दिख रहा है। ये सबकी नॉलेज है आपको? हाँ सर, ये सब हमारे नॉलेज भी और ये सब हमारे सिलेबस में भी है। That's wonderful. सर जी, आपको मैं बताऊं कि मेरे को खुशी बहुत है कि आपने मेरे को कॉल किया और हम इस बारे में बात कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस ऑल दिस पब्लिकली। जॉब भी शो कर रही है कि ओंटारियो में जॉब्स कहाँ कहाँ पर है, तो मैं मेट्रो एरिया मैंने क्लिक किया, मैंने टोरंटो क्लिक किया, टोरंटो रीजन में 868 जॉब पोजिशन शो कर रही हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि बर्गर वाले और वो रेस्टोरेंट वाले, पिज्ज़ा वाले, इतनी जॉब्स नहीं होने वाली टोरंटो रीजन में जितनी ये
जितनी जॉब शो कर रही है. व्हाट डू थिंक? यस सर, सही है सर. Yeah, so you are going on a right path. You are absolutely going on right up. सही मार्गदर्शन आपको किसी ने किया है और आप सही उस पे लाइन पे जा रहे हो और आपकी उन्नति होगी और आपको कोई दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा आपको तरक्की करने से. जो एक बात जो आप ये कह रहे थे कि भी हमारी पीआर कैसे लगेगी, और आपने पहले भी बताया कि असल में निशाना तो पीआर का है, और मैंने आपको जो एडवाइस दी थी कि पीआर आपकी हो जाएगी सहज पके सो मीठा होए, हौली 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 धीरे 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 आप काम सीखोगे और पैसे कमाओगे और नौकरी चलेगी, आपकी स्किल बढ़ेगी और पीआर भी होगी. पीआर को आपको कोई रोक नहीं सकता. पहले बात यहाँ देख लेते हैं, ओंटारियो में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप काम करोगे वो सब कुछ यूल गेट अ जॉब. ओंटारियो में स्किल ट्रेड का एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आपकी बन जाएगी, आपके पास डिप्लोमा भी है और आपके पास CLB इंग्लिश थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी. और उसके बाद आपके यहाँ पर जो इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं ओंटारियो की, ओंटारियो में आपको सिर्फ एक साल का काम करना है. देख रहे हैं आप? हाँ सर, देखो ओंटारियो में आपको एक साल में अगर आपको वेल्डिंग की जॉब आप जहां भी आप करोगे, अगर आपको वेल्डिंग, ये जो ग्रुप है आपका 7237 जो है 72 आ रहा है, इसमें अगर आपने जो आपने काम कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता पीआर लेने के लिए थ्रू OINP. चलो एक्सप्रेस एंट्री की चलो हम बाद में देखेंगे. आपका ओंटारियो में तो आपका शर्तिया ये है कि आपकी एप्लीकेशन लग जाएगी और एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. आपको सिर्फ 1560 घंटे काम करने हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज प्रीटी मच वेरी क्लियर. यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड टेक अ लुक. और आपको ये कंपलसरी ट्रेड भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर लिखा है कंपलसरी ट्रेड भी नहीं है आपके, उसमें तो वो भी कुछ नहीं है. बाकी सारी आपको लैंग्वेज है CLB 5, ये तो आपकी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है, साउथ इंडियन की तो इतनी इंग्लिश अच्छी होती है कि CLB 5 तो ऐसे चुटकी में हो जाएगा. CLB 5 कोई चक्कर ही नहीं है आपका. तो IELTS का आप अभी दे दो या बाद में दे दो. हाँ जी बोले सर. वन डाउट, ये CLB 5 से आपने क्या मीन किया? CLB 5 ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ. देखो यहीं पर क्लिक कर देते हैं यार, आपको हर चीज यहाँ पर उन्होंने दे रखी है, कोई चक्कर नहीं है आपको. आप ये उस पर जाएं language.ca पे जाएं और इसमें CLB टाइप करें और उसका स्कोर आ जाएगा तो, और आप देख सकते हैं. मैं आपको इस आपको स्क्रीन पे होकर अभी लोड कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ. पहले इस पर लोड करने दें, मैं आपको इस बार पे आ गया इस राइट हियर CLB 5 एंड असेसमेंट सेंटर इंग्लिश वर्जन. मैं आपको उससे दूसरे उससे बता देता हूँ आपको. एक्चुअली मे बी इट्स नॉट शोइंग ऑन दिस. CLB 5 को कहते हैं कैनेडा लैंग्वेज बेंचमार्क, और इससे वो उनका एक IELTS का स्कोर होता है कि कितना स्कोर आपको चाहिए उसके उसमें ऐसे उसमें होता है. तो अगर आप 5.0 ले आएंगे तो हो जाएगा. आपने जवाब ये वीज़ा लेने आए थे तो कितना स्कोर लेके आए थे आप? सर मैं 6.5 लेके आया था. 6.5 लेके आए थे. फिर आप लैंग्वेज के लिए क्यों घबरा रहे हैं भाई? आप जब आप ऑलरेडी लेके आए थे तो आप क्यों घबरा रहे हैं आप CLB 5 के लिए? थोड़ा बहुत मतलब घबराहट ही है, मत कर लेंगे वो तो मालूम है, लेकिन डर थोड़ा डर है बस. जब 6.5 को भी इतना डर होने लग गया तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे भाई साहब? सब में 5.0 और रीडिंग में 4.0. ये तो आपके लिए दाया तक कमाल है यार. आप तो अगर सोते सोते दे दोगे तो आपका आ जाएगा. आप क्यों घबरा रहे हो ऐसे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी खबर दिखाई है सर आपने. थैंक यू वेरी मच. CLB 5 के बारे में मुझे मालूम नहीं था. क्योंकि बात ये है कि सर, क्योंकि हम डिफरेंट एजेंट्स के पास जब जाते हैं तो वो हमारे दिमाग पे बहुत दबाव डालते हैं. हमारा क्या है जो हम एजेंटों पर क्यों धक्के खा रहे हो आप? चक्कर ये है कि एवरीथिंग जो भी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, मैं आपको ऐसे बोलने से मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है. जो भी मैं बात करूंगा आपको स्क्रीन पे उसका प्रूफ के साथ दिखा के बात करूंगा, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो. एवरीथिंग इज लिस्टेड देयर. यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड क्लिक 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 एंड यू नो वी प्रोबब्ली विल गेट टू द आंसर व्हाटएवर यू वी आर सेइंग. राइट, सो लेट मी सी, आई एम IELTS, सो लेट्स से इफ आई हैव 5 पॉइंट, आई एम जस्ट गोइंग टू see 5.5 each, just as an average. I think you will get more than 5.5. Or where the hell is 5.5? Okay.
yeah, this is showing for the express entry, but it's not for the, there's not showing the CLB level here. But for ab maan ke chalo ki aapka CLB level jo abhi dekha tha wahi aayega jo aapne jo dekha na abhi abhi humne dekha aap sab mein 5.00 le aao aapne to wahi aapka aane wala hai CLB 5 aane wala to itna aapko koi problem nahi hone wali to it's pretty going to load for some time and let's oh yeah here it is you can see my screen yes sir CLB level and 5 and above. So, speaking, listening, reading, writing, sab mein aap maan ke chalo ke agar aap ye bhi agar aap wo oh, sorry I'm on the cell I'm sorry I made a mistake I'm on cell pip I will have to go back to here. It's actually her cell pip is still a little higher. Here we go. 5 speaking, listening, reading 5 and reading mein aap 4 bhi le aoge to bhi chalega to ye aapka kaam ho jayega to isme koi chakkar nahi hai aapka kaam ho jayega Ontario express entry jo hai usme ye hai baki settlement funds hai baki to sab kuch hai intention ye sab aapke paas already ho jane wale hain aap chinta mat karo chup karke naukri pakdo aapki PR ho jayegi aapko agar agent bol rahe hain ki ji LMIA le lo ji restaurant mein job de do ji hum paise deke kara denge that is all nonsense. Please ignore all that advice. Focus on 1 year of job experience. Dikh raha hai screen pe? Haan sir, dikh raha hai. Ontario mein 1 year of job experience karo. Ek saal ki baat hai, ek saal to pata hi lagega kahan gaya. Aur aapki Ontario mein ye lag jayegi, theek hai? Just to compare this with express entry. Express entry mein hum aapko screen pe dikh raha hai sabko shayad? Haan sir. एक्सप्रेस एंट्री में अगर कोई जाए फर्ज करो कोई दुबई से अप्लाई कर रहा है कोई कहीं से अप्लाई कर रहा है व्हाटएवर कर रहा है तो उसमें उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए विद इन द लास्ट 5 ईयर्स सो इसमें आपका आपके लिए एक्सप्रेस एंट्री इज नॉट द राइट वन जब आपके 2 साल हो जाएंगे तब तो आपकी ONP से शायद वहां भी हो जाए तो आपको यहाँ नहीं आना और इसमें एक और चक्कर है जो डायरेक्टली जैसे अप्लाई करते हैं एक्सप्रेस एंट्री में उन्हें या तो फिर जर्नीमैन का सर्टिफिकेट चाहिए या उन्हें जॉब ऑफर चाहिए विच इज लाइक LMIA बेस्ड जॉब ऑफर अगर कोई जैसे कोई ओंटारियो में अगर देता है तो एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट ट्रेड क्लास के लिए बहुत हाई है लेकिन ओंटारियो में आप काम कर रहे हैं ओंटारियो में आप जमे रहें वहाँ काम करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपका ये ग्रुप में 7-2 ग्रुप में आपका जो ऑक्यूपेशन आ जाएगा थोड़ा सा क्लियर हो रहा है थोड़ा सा बात हाँ सर बहुत क्लियर हो रहा है गुड बहुत क्लियर हो रहा है तो मैं इसको जो जो होता है मैं इसको बंद कर देता हूँ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को भी मैं बंद कर देता हूँ उसको भी हम देख चुके हैं 5 तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये देखिए जॉब बैंक हम मैं देख रहा हूँ जॉब्स कहाँ कहाँ पर हैं अभी मैंने ओंटारियो में जॉब्स देखने हैं अगर फॉर एग्जाम्पल जहाँ आप रह रहे हो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप छोटा सा अपना गाँव है जो कॉर्नवॉल वहां से छोड़ के आप बड़े अपने शहर में आओ वहां पर जॉब्स मिलेगी तो ये मैं वेल्डिंग मैंने टाइप किया और ओंटारियो टाइप किया और इसमें सारे जॉब्स आ रहे हैं और मैंने खास करके लिख दिया कि नो एक्सपीरियंस देखो लिखा है यहाँ पर स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मैं बड़ा कर दूं इसको स्क्रीन पे मैंने कर दिया नो एक्सपीरियंस नो एक्सपीरियंस होते होते भी 7 जॉब्स आर अवेलेबल फॉर समबडी लाइक यू हु कैन अप्लाई और देखते हैं क्या कहाँ पर सैलरी है 28 पर आवर दैट्स अ लॉट आई बेट के जो रेस्टोरेंट वाले और जो वो ट्रक वाले जो इनिशियली कर रहे हैं धक्के खा के उनको $28 मिलना नहीं पॉसिबल अगर आप उससे भी नीचे चले आओ बिटवीन 20 to 26 स्टिल मोर देन यू कैन मेरे पास कई मैनेजर कॉल करते हैं जो रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं A&W में या मैकडॉनल्ड में बर्गर किंग में सबवे में अगर उनको पता लग जाए ना कि इतनी तनख्वाह मिलेगी तो वो घबरा जाएंगे क्योंकि उनकी तनख्वाह मुश्किल से $14-15 भी नहीं है ठीक है सारी जॉब्स आपके सामने हैं कहीं भी अप्लाई करो You know, you have a choice depending on what the job is. Look at this guy, vendor, apprentice or something. They will hire you in a heartbeat. They will take you on. So, kahin jahan bhi apply karna hai, you can apply and get to working. Aur baat sirf mere ko ye karni thi, aap jobs bahut hain. Aap yahan par kaam karo, St. Lawrence College ko main band kar dun. इसको हम लोग बात कर चुके हैं एक और एक ये है वहां पर आपके कॉलेज की वेबसाइट में लिखा हुआ है कि ये एक CWB है आई थिंक इट्स कॉल्ड दे हैव अ सर्टिफिकेशन फॉर वेल्डिंग आल्सो आप कुछ जानते हैं क्या ये सर्टिफाई करते हैं आपको यू नो दिस हां एक्चुअली सर ये हमारा बहुत बड़ा बैड लक था ड्यू टू कोविड वायरस ये CWB वाले अपने कॉलेज में ओंटारियो में एक ही कॉलेज है जो यहां पे खुद CWB अपने कॉलेज में आके टेस्ट कंडक्ट करता है लेकिन हम वो टेस्ट दे नहीं पाए हमने बुक किया था लेकिन वायरस की वजह से वो नहीं आए चलो
कोई बात नहीं, आप इसको साइड बाय साइड इसको CW की जो भी एग्जामिनेशन है इसको कर लो, क्योंकि जहाँ भी आप काम करने जाओगे इसको देख के आपकी जो मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी, आपको देखकर वो खुश होंगे कि भाई इसने कुछ ना कुछ आगे कोई कोर्सेज करे हैं, इसने कुछ CW का सर्टिफिकेशन लिया, तो इसको साथ साथ आप करते रहो, ठीक है। इसको मैं इसलिए मैं दिखाने वाला था इसको, सॉरी आई वॉज फॉरगेटिंग द नेम ऑफ, इसको कैनेडियन वेल्डिंग ब्यूरो। और जो जो वेल्डर जो बाहर भी बैठे हैं, दुबई वगैरह में कहीं से बैठे हैं और कहीं और बैठे हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि इनकी वेबसाइट पे जाकर आप इसको देखें, इसको अगर कोई ना कोई टेस्ट ले सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो जरूर कोई ना कोई सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें। बिच आई डू नॉट नो द प्रोसीजर, यू हैव टू गो टू द वेबसाइट एंड चेक इट आउट कि यहाँ पर कुछ है, सब कुछ दिया हुआ है, सर्टिफिकेशन कैसा करना है, एवरीथिंग इज राइट देयर। सो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, और लैंग्वेज वाले को भी मैं बंद कर देता हूँ, ये भी हो गया, ट्रेड्स वाले को भी बंद करता हूँ मैं, इसको भी हो गया, और ये है। अब बताएं आपको मेरे से और क्या सवाल है आगे, अब बताएं आप थोड़े से अपने दिल की बातें बताएं मेरे को। सर अब तो सवाल तो सारा क्लियर हो गया, जो मतलब प्रॉब्लम का जो जड़ था वो तो हो गया। ओए होए होए, ये मेरे को सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा होता है कि कभी हम जाते हैं हकीम के पास और वो हकीम से कहते हैं भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो कुछ प्रॉब्लम है, वो कहते हैं छोटी मोटी ऊपर की दवाई दे दो, बंद कर देते हैं, तो ऐसे हकीम ने ऐसी दवा दी कि उसकी जड़ ही खत्म हो गई बीमारी की, और वो अब आपके कभी कभी बीमारी आपको सामने फटकने वाली नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इतने क्वेश्चंस लिख के रखे थे, आपको दिखेगा नहीं शायद, लेकिन ये पूरा पेपर मेरे ख्याल से अराउंड 20-22 क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे थे अपने पूरे डाउट। लेकिन इसमें जो मेन डाउट मेरी मतलब प्रॉब्लम था, वो जब फील्ड के बारे में सॉल्व हो गया तो वो क्वेश्चन का कोई जरूरत ही नहीं था। क्या बात है सर जी, मेरे को तो खुशी आपसे इतनी हो रही है कि मैं आपको सोच रहा हूँ कि आपको मिल के आऊँ, आपके गले लगूँ, क्यों आप जैसे लोग हैं जिससे कि मैं आपको बताऊं क्लियरली, देखो आप जैसे लोगों से हमारी रोजी रोटी चलती है नंबर वन, और दूसरा चलो रोजी रोटी की बात अलग है, और आप जैसे लोगों से मेरे प्रोफेशन सार्थक होता है, क्योंकि मेरे को इतनी तसल्ली है कि आपको मैंने सही एडवाइस दी, सही आपको गाइडेंस पे सही रोड पे डाला, जिससे कि आप इन फ्यूचर आप तरक्की करोगे, पैसे कमाओगे, PR बनोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाओगे। और जो आखिरी बात यह है कि सही गाइडेंस से, सही नॉलेज से आप अभी आप गलत रास्ते में जाने से बच गए, क्योंकि जितने भी आपको एजेंट वहाँ पर ओंटारियो को कह रहे थे कि आपको LMI दे देते हैं जी, $30,000 लेके जी कोई शो कर देते हैं, आपकी PR लग जाएगी, आपको PR के झांसे में फंसा के आपको आपकी बुद्धि भ्रष्ट करने वाले हैं और कर रहे थे, और ऊपर वाले की कृपा से हम दोनों की मीटिंग हो गई और हम लोग बात कर रहे हैं, और मेरे को बड़ी खुशी है। हाँ सर जरूर, क्योंकि मैं आपका अपॉइंटमेंट मैंने आज ही लिया, क्योंकि मैं 2 दिन के बाद मेरे पास अमाउंट नहीं था, फिर भी मैंने उधार मांग के $3,000-4,000 में एजेंट को देने वाला था। मैंने सोचा एक बार बात हो जाए, उसके बाद आज फैसला हो जाए। $3,000 आप एजेंट को देने वाले थे वो जॉब के चक्कर में? हाँ सर। मजे की बात यह है कि ना आपको उस तरह की जॉब की जरूरत है और ना आपको करनी थी, और ऊपर वाले की कृपा इतनी है कि हम दोनों का संजोग हो गया और आपको सही रास्ते पे डाल के मेरे को इतनी अच्छी नींद आएगी आज, और मेरे को लगेगा कि भाई I don't have words to say this but I'm just very glad कि आपका काम हो गया और आपको ये है, मेरा आशीर्वाद आपके पास है। So just let us conclude our advice on what we have. You have a 2-year diploma from St. Lawrence College. आपका work permit आपका आपने कर दिया है, your employee status, आपको job कल मिलेगी तो आप job करना शुरू कर सकते हो, 3 साल तक आप काम कर सकते हो, एक आपको करनी welding है, please मेरे से promise करो कि कोई और job नहीं करनी आपको। आपको welding के बगैर, क्योंकि अपने field में ही रहना है। That's right. किसी भी एजेंट को $1 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको गलत जॉब्स में फंसा रहे हैं, और जो भी आपको PR का झांसा दे रहे थे, जस्ट इग्नोर देम, जस्ट फोकस स्ट्रेट अवे ऑन योर वेल्डिंग स्किल, काम करो, सर्टिफिकेशन लो CWB का, 1 साल टिक के काम करो, 1560 घंटे आपके हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, इंग्लिश भी आ जाएगा,
आपको पीआर होने से कोई रोक नहीं सकता, मैं आपको दावा करता हूँ, कोई नहीं रोक सकता आपको। पीआर एक साल के बाद फाइल लग जाएगी, फिर जितना भी टाइम है ओएनपी का, 6 महीने 8 महीने व्हाटएवर दैट इज, यू नो इट इज क्लियर विद देम। सो आपको मैं सोच सकता हूँ कि रेडार मैंने आपको डाल दिया है, आपको मेरे को पता है कि आपको 1.5 साल बाद अभी आज से 1.5 साल बाद अगर इसी ट्रैक पे चलते रहे, आपके पास पीएनपी सर्टिफिकेट भी होगा और फिर उसके बाद तो आपका कनाडा आपकी मुट्ठी में, और जब आपका पीआर हो जाएगा फिर आप चाहे अल्बर्टा आए चाहे जहां आए, वी नो यू कैन डू इट। अल्बर्टा तो मेरा ड्रीम प्लेस है, वहां पे तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन वहां पे आने से पहले कुछ सर्टिफिकेट्स लेना है वहां पे। चलो करते रहे आप, आपको देखिए आपको जब आप एक आध साल वहां पर ओंटारियो में जहाँ काम करेंगे ना, तो आपका जो हाथ खुल जाएगा, जब आपके हाथ में हुनर आ जाएगा, और फिर एम्प्लॉयर्स आपको खुद ही कॉल करने लग जाएंगे, वुड यू वांट टू वर्क विद मी और व्हाटएवर, जो भी कुछ है, यू नो दे विल कॉल यू एंड यू नो हु नोस वेयर लाइफ विल टेक यू। कुछ जो जो नॉर्थ में जैसे यूकॉन है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में, वहां पर लोग जाना कम पसंद करते हैं, तो वहां तो सैलरीज आई थिंक मोर देन $70-$80 पर आवर। आप जितने भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो बर्गर बुर्गर बना रहे हैं, उनका वो सोच ही नहीं सकते कि इतनी में सैलरी मिल सकती है। मेरे को वो तो बस मतलब उनको मतलब शॉर्टकट पसंद है। या मेरे को शॉर्टकट पसंद नहीं है, मैंने आपको पहले बोला ना कि सहज पके सो मीठा हो। अभी जो फल पक रहा है उसको मीठा होता है, तो धीरे धीरे खाते हैं तो फिर उसको मिठास आती है, पहले से तोड़ लेंगे तो उसमें नेचुरल प्रोसेस नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एक और बात मैं आपसे कहने वाला था कि एक्चुअली मैं तो काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ और मैं अल्बर्टा में हूँ, और मैं फोर्ट मैकमरे मेरे पास मेरे घर से करीब 3 घंटे के रास्ते पे है, जहाँ पर ऑयल एंड गैस काफ़ी होता है और वहाँ पर वेल्डर्स आते थे पहले, आजकल तो शायद नहीं आ रहे। तो मेरे को सबसे पहले वेल्डिंग के बारे में कब मालूम पड़ा, मेरे पास कोई आंध्रा से तेलुगु कुछ वेल्डर्स आए मेरे पास, मेरे ऑफिस में आए, और वो लोग मेरे से पीआर अप्लाई करना था, उन्हें पीएनपी लेनी थी वगैरह, देयर वाज सम इश्यूज देयर। तब मैंने उनको पूछा कि भाई देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 4 or 5 पीपल एंड दे ऑल फ्रॉम मे बी विशाखापट्टनम और वारंगल एंड सम अदर नेम्स व्हिच आई हैड नो आइडिया कि नाम है कहाँ पर। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग साउथ इंडियन से आए हो, आप आंध्रा से आए हो, आपको इतनी वेल्डिंग आती कैसे, आपको कैसे जॉब मिल गई। तब उन्होंने मेरे को सीक्रेट बताया कि वहां पर वो विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट है, या स्टील वो है शायद, आई थिंक देयर इज अ क्या होता है माइनिंग, स्टील प्रोसेसिंग माइनिंग, स्टील प्रोसेस माइनिंग है समथिंग, कोई ना कोई वहां पर चक्कर है, वहां पर शिपयार्ड है, वहां पर कुछ होता है, रिलायंस का है कुछ और है, ट्रेनिंग सेंटर है टाटा का, ये काफी सारे है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अगर किसी को, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई एज अ क्यूरियोसिटी एंड आई लव टू आस्क क्वेश्चन, मैंने पूछा कि भाई अगर किसी को वेल्डिंग सीखनी है तो कहाँ, वो कहते हैं द बेस्ट प्लेस टू लर्न वेल्डिंग इज इन इंडिया इन विशाखापट्टनम। वहां पर उन्होंने वेल्डिंग के नाम भी बताए थे, काफी कुछ छोटे मोटे कॉलेज टाइप बने हुए हैं और वहां पर वेल्डिंग सिखाते हैं प्रॉपर, अंडर सी जाके भी दिखाते हैं और वैसे भी जो आपने नाम दिए, जो मेक और टेक नाम दिए, सब सिखाते हैं यहाँ पर। और वहां पर जिन्होंने ये सीखा, जिन्होंने वहां से वो डिप्लोमा किए, 6 मंथ या 1 ईयर डिप्लोमा किए उन्होंने, उनको सीधे ही पहले उनको छूटते ही दुबई में जॉब मिल गई, दुबई में सऊदी में जॉब मिल गई, और वहां से पकड़ के फिर सीधे फोर्ट मैक वालों ने उनको खींच लिया। दे वर हियर विद इन अबाउट 6 मंथ्स आफ्टर कंप्लीटिंग दैट डिप्लोमा, दे वर हियर इन फोर्ट मैक, एंड इन फोर्ट मैक एट दैट टाइम, दिस वॉज इन 2014 or 2015, दे वर मेकिंग क्लोज टू लाइक $60 पर आवर प्लस ओवर टाइम, रोज के करीब 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 उनके $1,000 रोज के बनते थे, $1,000 अ डे एट दैट टाइम, दिस वाज अ बूम टाइम इन फोर्ट मैक। आजकल तो कोविड का चल रहा है, और दे वर मेकिंग क्लोज टू $1,000 अ डे, दे वर मेकिंग सो मच मनी दैट दे वर मेकिंग, यू नो इमिग्रेशन लॉयर्स वर जेलस फॉर ऑफ देम कि बी हाउ आर यू मेकिंग सो मच मनी, एंड देन आई फाउंड आउट यू नो दिस इज व्हाट यू डू, एंड दे टोल्ड अस यू नो दिस इज हाउ दे लर्न वेल्डिंग, एंड यू नो मेनी ऑफ देम बिकेम पीआर एंड मेनी ऑफ देम वुड बी सिटीजंस राइट नाउ। सो तब मेरे को क्लिक किया कि भाई ये लोग साउथ इंडिया के लोग हैं, बड़े दिमाग के शातिर होते हैं, तेज होते हैं, और ये पता नहीं क्या खाते हैं वहाँ पर साउथ इंडिया में, कुछ फिश खाते हैं, क्या खाते हैं, आई डू नॉट नो हाउ डू दे प्लान एंड हाउ डू दे यू नो लुक आउट दिस प्रीटी वेल एंड। और फिर मेरे को हैदराबाद भी जाने का मौका मिला 2-3 बार, एंड आई मेट सो मेनी पीपल, आई वॉज ह्यूजली इम्प्रेस्ड कि दीज पीपल आर द स्मार्टेस्ट पीपल इंटायर इंडिया। सो और तभी आपने जो कॉल करी मेरे को दोपहर को, आज हमारी बात हुई है, इसलिए आपकी कॉल से मैं लाभान्वित हुआ। लाभान्वित समझते हैं हिंदी में? हाँ सर, खुशहाल यानी एक्साइटेड काइंड ऑफ।
मेरे को एक्चुअली ना मैं इंग्लिश बोल बोल के थक जाता हूँ, तो मैं ढूंढता हूँ कि मेरे को कोई इंडिया का बंदा मिले जिससे कि मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर सकूँ। सर मैं तो पंजाबी भी जानता हूँ ना, इसलिए पंजाबी किस तरह जानते हो आप? सर पंजाब में था कुछ कुछ दिन, कुछ कुछ साल दिन? अमृतसर, कुछ दिन? व्हाट डू मीन कुछ दिन? अराउंड 1 ईयर अमृतसर में थे। अमृतसर का जो ट्रेनिंग कैंप था, इंडियन आर्मी का क्वार्टर्स था, वहां पे मैं रह चुका हूँ अच्छा अच्छा पापा के साथ। पंजाबी जी गल करो फिर राहुल जी, कुछ दसो और पंजाबी इंट्रोडक्शन दो कुछ। उतना भी मतलब नहीं मारे, लेकिन मैं समझ लेता हूँ और अच्छा बात भी कर। अच्छा अच्छा चलो बहरहाल खुशी हुई। अमृतसर में गए आपने, वहां देखा एक बहुत बड़ा टेंपल है, गोल्डन टेंपल। हाँ सर, गोल्डन टेम्पल, वहां जाए बिना कोई वापस कैसे आ सकता अच्छा अच्छा है। एक साल रहे वहां, पता देखा होगा डेफिनेटली। सो चलिए बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और आई रियली वांट टू अप्रिशिएट फ्रॉम माय हार्ट कि आपने कॉल किया। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जैसे जो टेक्निकल ट्रेस करते हैं, डेफिनेटली आई वुड वांट देम टू गो इनटू वर्क इन द ओन प्रोफेशन। कहीं से आप डिफ्लेक्ट होके कहीं गलत प्रोफेशन में जाके, कोई टैक्सी चला के, उबर चला के, फूड डिलीवरी करके, अपना वर्क परमिट का टाइम वेस्ट मत कर लेना। वर्क परमिट का जो आपका जो पीजी वर्क परमिट है, ये बहुत ही प्रेशियस है वो, और ये दोबारा मिलेगा नहीं, क्योंकि एक बार पढ़ाई करने के बाद एक बार मिलता है, ऐसा नहीं कि दोबारा मिल जाएगा, फिर नहीं तो फिर LMI के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इसलिए ये जैसे जिंदगी की सांसें जो है दोबारा नहीं मिलती, वैसे आपको ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का जो टाइम है वो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप कल परसों से अपना काम करना शुरू करें, कॉर्नवॉल में बाय गुड बाय करें, कम टू टोरंटो, फाइंड अ जॉब एनी वेयर इन ओंटारियो एंड गेट ऑन टू योर पाथ। ओके सर, आपसे बहुत बहुत बात करके बहुत खुशी हुई। बहुत बड़ा डाउट पिछले 2-3 महीनों से मेरे नींद खराब कर रहे हैं ये बातें, क्योंकि पैसा तो कोई बात नहीं, पैसा तो हम बना लेंगे, लेकिन ट्रेड छोड़ने का दिल बिल्कुल नहीं था। पासपोर्ट में काम करके जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सोच के बड़ी टेंशन थी। अभी सर सब जी क्लियर आप, हो गया, मैं आपसे टच में रहूंगा हमेशा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच। आपको हाथ जोड़ के मैं हार्दिक नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको, और मेरा आशीर्वाद मेरी आपके साथ तरफ से है। कभी भी आप, अगर आपको कुछ और सवाल पूछना है तो जरूर आप कॉल कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। योर कॉल्स विल मोस्ट ऑलवेज बी वेलकम। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, टेक केयर, बाय।